संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। भक्तजनों, संकष्टी चतुर्थी व्रत हर माह भगवान गणेश की विशेष कृपा पाने को किया जाता है। संकष्टी चतुर्थी हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और अमावस्या के बाद आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। स्नान के बाद गणपति जी की पूजा की शुरुआत करें। गणपति जी की मूर्ति को फूलों से अच्छी तरह से सजा लें। पूजा में तिल, गुड़, लड्डू, फूल, तांबे के कलश में पानी, धूप, चंदन, प्रसाद के तौर पर केला या नारियल रखें। शाम को चंद्रमा निकलने से पहले गणपति जी की पूजा करें और संकष्टी व्रत कथा का पाठ करें। संकष्टी व्रत कथा। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता विवाह समारोह में आए। सबने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात ये है कि उनको सवा मन मूंग, सवा मन चावल, सवा मन घी और सवा मन लड्डू का भोजन दिन भर चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी भी आ जाएं, तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। ये सुझाव भी सबको पसंद आया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। इतने में गणेश जी आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझा कर घर की रखवाली करने बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन खोद दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। इसके बाद सभी ने गणेश जी से प्रार्थना की। उनके आशीर्वाद से ही मंगल कार्य संपन्न हुआ।
श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। बोलो गजानन भगवान की जय।